जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका सेल्फ डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीन पेन पर कि सीन पेन आखिर होता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इसका क्या सलूशन किया जा सकता है, क्या इसका उपाय हो सकता है, क्या इसके इसमें हम सावधानी रखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सीन पेन हमारा अक्सर होने वाली जगह होती है जो अपने नीचे से जो नीचे की जगह होती है, नीचे से लेकर पूरी ये जगह, यहाँ पे हमारे सीन पेन क्रिएट होता है। ये अक्सर हो जाता है कि अगर हम या तो किसी हार्ड सोल या हार्ड जगह पर रनिंग कर रहे हैं, जैसे सड़क पे, इस हार्ड पे सरफेस पर अगर अपन रनिंग करेंगे तो हमारे पाँव में दर्द होने लग जाता है नीचे नीचे, उसे हम सीन पेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये है कि आप एक तो सॉफ्ट जूते पहनो जिसका जिसके अंदर स्पंज हो, जूतों में नीचे सोल स्पंज का बना हो। ठीक है दोस्तों, और इसके और भी कारण है कि हम अगर आवश्यकता से ज़्यादा अगर अपना पट मारने की कोशिश कर सकते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा मारते हैं तो ये दर्द होता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या उपाय, एक तो आप स्पंज के जूते यूज़ करो और जितनी होते कच्चे ग्राउंड पे तैयारी करने की कोशिश करो, क्योंकि सड़क का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर मात्रा में चने, सोयाबीन, मूँगफली, काजू हुआ, बादाम हुआ, ठीक है, किशमिश हुई, इनको आप डेली भिगो के खाइए ताकि इसमें आपसे कोई परेशानी ना हो आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर इसके उपाय के लिए अगर हो गया है सीन पेन तो हम इसको एक्सरसाइज के जरिए दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 या 6 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको डेली वो लगानी है अगर सीन पेन हो जाता है तो। ठीक है दोस्तों, तो आप ठीक से देखना एक्सरसाइजों को। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने पांव पंजे पे खड़ा होना, सिर्फ रेडी स्टार्ट, पूरे पंजे पे लगाना है, फिर डाउन अप, पूरे बैक साइड में अपने को प्रेशर देना है। ठीक है दोस्तों, डाउन अप डाउन, ओके रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइज है, हमको फिर से वापस पंजों पे खड़ा होना है, कुछ इस तरह से वापस पीछे अपने प्रेशर देना, पीछे अपने ये पूरे काफ जो है खिंचा होना चाहिए इसमें दबा के। ठीक है, पोजिशन अप, पूरा खींचो ऊपर पूरा। ठीक है, अब आपको कम से कम छोटे छोटे कदमों से 10 कदम चलना आगे। ठीक है, एडवांस, पीछे की तरफ खिंचाव आता रहना चाहिए आपके। ठीक है दोस्तों, बेक, और फिर से वापस बेक लगानी है, इसके आपको कम से कम 6-7 बार ऐसे करना है। ठीक है, सेट लगाने इसके भी आपको, रिलैक्स। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों, आपको एक बार पंजे पे खड़ा होना है इस तरह कुछ। ठीक है, फिर वापस नीचे रख के आगे से पांव उठाना है और इसको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करना है। रेडी स्टार्ट, डाउन, आगे से उठाओ, डाउन, वापस डाउन, रिलैक्स। इसके आप भी आपको 6 से 7 सेट लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्थ एक्सरसाइज, ठीक है, लेडियो भाई, आपको अपने पाँव को ऊपर उठाना है। ठीक है, और फिर आपको कुछ इस प्रकार इसको बाहर की तरफ पुश करना है, बाहर की तरफ प्रेशर देना है। ठीक है, बाहर की तरफ कुछ देर तक पुश करके होल्ड करना है, फिर वापस अंदर की तरफ, यहाँ पे भी थोड़ी देर से होल्ड करना है इसको। ठीक है, फिर वापस बाहर, एक बार बाहर और अंदर करने के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, 3-3, 4-4 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, रोकना है इसको। ठीक है दोस्तों, रिलैक्स, बैंड बैंड जो ओनली केवल पंजों पे बैंड होना आपको, पंजे सीधे रखने आपके, पंजे बिल्कुल खड़े होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको अपने हाथों को पीछे ले जाना है धीरे धीरे, ठीक है, और वापस आगे लाना है, स्टार्ट। ये करते समय आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पूरा अपने जो काफ से इसमें खिंचाव आता रहना चाहिए। वापस आगे, ऐसे आपको कम से कम 6 या 7 बार करना है रेगुलर। ठीक है दोस्तों, ओके रिलैक्स, बेंड। ठीक है, इसी में सेकंड एक्सरसाइज है, आपको इस बार पहले आपने हाथों के लाया था, आगे पीछे किया था, इस बार आपको पांव को करना है। ठीक है, और पंजे पे, ठीक है, स्टार्ट, पंजों से आगे आना है आपको और पंजों से ही पीछे जाना है।
रिलैक्स रिलैक्स अब, ठीक है। और एक एक्सरसाइज और है जिसे हम आसन में भी यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं वज्रासन, ठीक है। ये हम कभी भी लगा सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है, आप वैसे एक्सरसाइज के साथ लगाओ तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। बैठो, वज्रासन में आपको कुछ इस तरह से बैठना है। कौन दिखा? पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। अच्छा, सबका दिखे। आपको अपनी एडी के ऊपर बैठना है और प्रेशर देना है, काप्स में खिंचाव आता रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। रिलैक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ पांच छह एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको सीन पेन के सोल्यूशन के लिए बताई थी। आपको अगर आपके सीन पेन क्रिएट हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है तो आपको ये डेली लगानी है, ठीक है दोस्तों। ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है और विशेष ध्यान रखें डाइट का, कि हम डाइट भी ध्यान से लें, टाइम से टाइम डाइट लें, वरना रनिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है डाइट की, ठीक है दोस्तों। और हम जितनी मेहनत करते हैं, अगर शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो मेहनत हम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो डाइट का ध्यान रखें और जितना हो सके कच्चे ग्राउंड पर तैयारी करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, आशा करता हूँ वीडियो पक्की आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों।